मैं ये चाहती हूँ कि जितनी बार रजिस्ट्रेशन हो ये नंबर ऑटो जनरेट हो। ये नंबर क्या हो? ऑटो जनरेट हो। ऑटो जनरेट होगा मतलब ये है कि मैं एक नंबर्स की सीरीज दे दूं, उसमें से ये रैंडमली नंबर सेलेक्ट करें कोई भी चार, और चार सेलेक्ट करके इसका पिन कोड जनरेट कर दें। बात समझ में आई? सही है। तो अब मुझे जो यहाँ पे नंबर जनरेट करना है वो बाय फिलहाल तो ये जीरो है। फिलहाल मैंने कह दिया कि ये जीरो है, कोई भी इसमें पिन कोड मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके नीचे मैंने एक स्ट्रिंग करके नंबर लिया। ठीक है, और नंबर मेरे पास क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है, ये मेरे पास क्या है? नंबर है। तो इन्हीं नंबर्स की कॉम्बिनेशन से आपके सारे न्यूमेरिक नंबर्स बनते हैं। ठीक है, तो मुझे इन्हीं नंबर की कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए क्या करना है? चार डिजिट का कोड जनरेट करना। सही है, तो पहले ये जीरो कर लो और इसको इतना लिखो, फिर मैं आगे बताती हूँ। अब तक मैंने जो है वो दो ही चीजें लिखी हुई थी। ठीक है, कि ये दो चीजें जो है वो मेरे पास जो है वो मैच होनी चाहिए। इसमें नेम है, आईडी हो गया, ठीक है, ईमेल हो गया। अब क्या है इसके पास? फोन नंबर है ना, एंड लगाया, नॉट फोन डॉट गेट टैक्स, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल, ठीक है, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एक ये हो गया। अब क्या है हमारे पास? पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है। पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड के लिए, ठीक है, इसके अंदर मैं नेस्टेड लगा रही हूँ। एक तो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, दूसरा ये दोनों क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए। इसी के अंदर मैंने इफ लगाया है, और इसी इफ के अंदर एक तो मैं एल्स लगाऊंगी। ठीक है ना, अब इस इफ के अंदर क्या आएगा? मतलब इस इफ के अंदर एक और इफ लगाया है जिसमें मैंने लिखा है पासवर्ड। पर हमने उठाया है ना पासवर्ड डॉट गेट टैक्स, ठीक है, डॉट इक्वल्स, एक मिनट, डॉट टू स्ट्रिंग, एंड एक तो ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और साथ साथ क्या होना चाहिए? ये पासवर्ड डॉट गेट टैक्स डॉट इक्वल्स किसके होना चाहिए? कंफर्म पासवर्ड डॉट गेट टैक्स डॉट टू स्ट्रिंग के। इधर भी टू स्ट्रिंग लगा लें। पहली चीज कि ये खाली नहीं होगा, दूसरी चीज कि ये कंफर्म पासवर्ड के साथ मैच करेगा। दोनों चीजें मैच होनी जरूरी है। एक तो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? कि मैच होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पासवर्ड नॉट मैच का मुझे मैसेज देगा। पासवर्ड नॉट मैच, इतना। और जो अभी पिन कोड का हमें जनरेट करना है वो हम कहां जनरेट करेंगे? इधर जनरेट करें, यहां पे। सही है, इधर जनरेट करना है। लेकिन उससे पहले आपने ये कंडीशन लिखनी है। सही है, इस इफ के अंदर एक और इफ लगाया है जो कि पासवर्ड चेक कर रहा है। सही है, अगर पासवर्ड मैच नहीं होता तो वो मैसेज दे देगा कि पासवर्ड नॉट मैच, या कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच कर दो। ठीक है, और अगर ये आउटर इफ नहीं चलता तो ये कह देगा रजिस्टर फेल इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। और अगर सारी चीजें आपकी कंप्लीट हैं तो आप रजिस्टर सक्सेसफुली करके कहां चले जाओगे? ओटीपी पे चले जाओगे। ठीक है, अभी इस चीज को कर लो, फिर मैं आगे रैंडम वाला कोड करा दूं। अब हमें क्या करना है कि रैंडम कोड पिन कोड जनरेट करना है। जो ये पिन कोड जा रहा है ना चार डिजिट का, ऊपर मैंने जीरो करा दिया था। ठीक है, अब मुझे वो पिन कोड जनरेट करना है। पिन कोड जनरेट करने के लिए यहाँ पे
मैं एक रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए आपके पास एक रैंडम की क्लास होती है। किसकी क्लास होती है? रैंडम की हमारे पास एक क्लास होती है, तो उस रैंडम की क्लास का हमने जो है वो क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, ये जावा के अंदर ही होती है, सही है। हमने क्या बनाया है, एक रैंडम की क्लास बना लिया। अच्छा, मुझे अब कोड जनरेट करना है। कोड जनरेट करने के लिए इसी में ही कोड करेंगे, तो मिक्स क्या हो रहा है, रैंडम ही नंबर जनरेट करना है ना। तो रैंडम जो है वो हमने यहाँ पे क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया है। ये क्लास क्या पिक करेगी, रैंडमली आपके इसमें से चार डिजिट पिक करेगी। हर दफा सेम नहीं होगा, हर दफा चेंज होगा। सही है, बात समझ में आ रही है। अब जाहिर सी बात है, उसको उठाना है इसमें से, तो वो बारी बारी एक एक करेक्टर उठाएगा। तो अब एक करेक्टर उठाने के लिए मुझे यहाँ पे एक करेक्टर का एरे बनाना है। कितने चाहिए, चार चाहिए। तो मैंने जो एरे बनाया है कैरेक्टर का, वो कितने उसका बनाया है, चार उसका बनाया, सही है। अच्छा, अब ये चार उसमें मैंने बना लिया है। अब ये कोड कहाँ स्टोर करना है और किस हर उसको उठाना है और डिस्प्ले कराना है। ऊपर मेरे पास है ये वाला पिन कोड, इसके अंदर इसको रखना है। ठीक है, तो इस पिन कोड के अंदर आपको इस पिन कोड को प्लेस करना है यहाँ पे। अब मैं इसको चार दफा चलाना चाहती हूँ, मतलब मैं अपने लूप को चार दफा चलाऊंगी ताकि चार दफा में से ये कोई भी रैंडम नंबर पिक कर ले। तो मुझे चार डिजिट चलाने के लिए, ताकि इसके हर इंडेक्स के ऊपर एक नया कोड ऐड हो, सही है। तो मुझे यहाँ पे फोर का लूप चलाना है जो कि चार दफा चलेगा। सही है, मुझे इसको जो चलाना है वो फोर टाइम चलाना है। तो यहाँ फोर का लूप चलाने के लिए इनिशियलाइजेशन देते हैं, इंटीजर आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन फोर, ठीक है, और आई प्लस। ओटीपी यानी करेक्टर का जो पहला इंडेक्स है वो बराबर किसके होगा, जो भी आपका नंबर है ऊपर जो स्ट्रिंग में दिया हुआ है डॉट, ठीक है, उस नंबर में से आपको जो है वो क्या करना है, करेक्टर एट रैंडम मेथड, यानी जो आपका ये रैंडम मेथड हमने बनाया है रैंडम डॉट रैंडम डॉट नेक्स्ट इंटीजर आ रहा है, सही है। फिर हमारे पास है नंबर डॉट, अब इसमें मैंने कहा है कोई भी नंबर में से कोई भी एक इंटीजर पिक करना है, ठीक है। कहाँ तक इसकी लेंथ, यानी इसकी जितनी भी लेंथ है इसमें से देखो और इसमें से कोई भी एक क्या कर लो, नंबर पिक कर लो। पिक करने के बाद क्या करना है, इस ओटीपी के किधर देना है, इस कैरेक्टर एरे को देना है। किसको देना है, इस ओटी एक मिनट ओटीपी है, ठीक है, इस कैरेक्टर को दे देना है। इस कैरेक्टर को मिल गया, अब जो भी इस कैरेक्टर को मिलेगा वो इसके साथ कॉन्केटिनेट होना चाहिए, लेकिन इसके साथ कॉन्केटिनेट नहीं हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर है, स्ट्रिंग नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो मुझे अगर मैं इसकी डेटा टाइप क्या कर दूं, स्ट्रिंग कर दूं, ठीक है, इधर एरर आएगा आपका, कहां पे एरर आएगा मैं बता रही हूं, हाँ इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, ठीक है, यहां पे, और ओटीपी एक्टिविटी में भी आपका आएगा, लेकिन वो बाद में हम चेंज करेंगे क्योंकि हम डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं। ये इन्वर्टेड कॉमा में आ गया। अब मैंने ये कहा जो मेरा पिन कोड है
मेरा पिन कोड है, अब मैं इसको जीरो नहीं करूंगी, इसको क्या कर दूंगी, एम्प्टी कर दूंगी कि कुछ भी नहीं है, जीरो करा तो वो जीरो साथ में ऐड होके आ जाएगा। मैंने कहा जो मेरा पिन कोड है प्लस इक्वल्स टू ओटीपी का जो भी इंडेक्स आई है, यानी जो भी ये नंबर उठाता है इस इंडेक्स पे, ये इसके साथ कॉन्केटिनेट करके लिखते रहो। जब ये कॉन्केटिनेट करेगा, चार दफा करेगा, तो चार डिजिट इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। जो भी चार डिजिट स्टोर होंगे वो यहाँ पे आके आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको मैसेज कर देगा। वो क्या करेगा, मैसेज करेगा, और हर दफा कोड डिफरेंट होगा, क्योंकि हर दफा रैंडम नंबर चल रहा है, तो हर दफा रैंडम नंबर कुछ और होगा। अच्छा, यहाँ पे जो एरर आया वो इसकी वजह से आया, इसकी डेटा टाइप भी हम क्या कर देंगे, स्ट्रिंग कर देंगे। जब इसको स्ट्रिंग कर ही देंगे तो ये जो है डायरेक्टली मैच हो जाएगा, ठीक है ना, फिर आपको टू स्ट्रिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं होगी। खत्म, मतलब जो कन्वर्ट करा था उसको हटा दिया, और जो सीधा सीधा था उसको हमने कर लिया। रैंडम का एक मेथड बनाया, चार कैरेक्टर उठाने, क्योंकि चार डिजिट का कोड जनरेट करना है। छह का करना होगा तो मैं इसे क्या कर दूंगी, सिक्स, और फोर का लूप कितना चलाऊंगी, सिक्स तक, ठीक है। तो अगर आपने टू रैंडम नंबर जनरेट करने हैं तो आप दो तक चलाएंगे, तीन करने हैं तो तीन तक चलाएंगे, सही है। जितने रैंडम नंबर जनरेट करने हैं आपने उसको उतना ही चलाना और उतने ही लेंथ का लेना है। तो यहाँ हमने यही कहा है कि जो भी उठाते जाओगे वो इस कैरेक्टर एरे में भी रखते जाओ और इस पिन कोड के अंदर भी कॉन्केटिनेट कराते जाओ, सही है, इसको कर लो।